हेलो गाइस, अगर आपको भी कंट्रोवर्सी में मजा आता है और अगर आप किसी को एक्सपोज वीडियो देख के काफी एंटरटेनमेंट होते हो तो आज का वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज मैं एक अपने प्यारे यूट्यूबर को एक्सपोज करने वाला हूँ, वो भी पूरे प्रूफ के साथ। क्योंकि ये जो भाई है ना, इनका खुद का ईमान है कि नहीं वो तो मुझको नहीं मालूम, बट किसी और के ईमान पे बिना किसी प्रूफ के उंगली कैसे उठाया जाए वो इनको बखूबी आता है। और तो और, अगर इनको अपने चैनल को मोनेटाइज कैसे करते हैं और मोनेटाइज करके मेहनत से पैसे कैसे कमाए वो नहीं आता, बट किसी को बदनाम करके उसको ब्लैकमेल करके कैसे पैसे कमाते ये उनको बखूबी आता है। और इनके वीडियो में देखोगे ना तो ये टाइम पास में अपने गैंग को लेकर बैठ के बक बक करना अच्छे से जानते हैं, पर कोई प्रूफ दिखा, एग्जैक्ट प्रूफ जिनमें सच में किसी और का गलती हो और ये सच्चे हो, ऐसा कुछ इनको नहीं आता, इनको बस बक बक करने आता है। तो डोंट वरी, मैं लेके आ चुका हूँ प्रूफ और उनको करने वाला हूँ एक्सपोज। तो बस आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे बने रहो, ऐसे मस्त मस्त कॉन्टेंट बीच बीच में आते रहते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो देखो गाइस, जिस भाई की बात मैं कर रहा था उनका नाम है जसी, उनके चैनल का नाम जसी है, रियल नेम तो मेरे को मालूम नहीं है। और इन्होंने डार्क गोल्डिंग में एक्सपोज वीडियो पहले बनाया था 2 हफ्ते पहले और फिर कल एक बनाया। और इन दोनों वीडियो में बिना मतलब के विष्णु भाई, जो हमारे प्यारे भाई दोस्त और परम मित्र है, उनको गंदी गंदी बातें, उनके ईमान पे क्वेश्चन उठाया, जबकि इनका ईमान खुद भ्रष्ट है, वो मैं प्रूफ करने वाला हूँ, प्रूफ दिखाने वाला हूँ, डोंट वरी। ओके, तो इसको मैं एक्सपोज करने वाला हूँ। देखो इन्होंने ना क्या किया, डार्क होस्टिंग को एक्सपोज किया। और देखो आप मेरे चैनल से जाना, इनका दोनों ये वीडियो चेक करना होगा, कर लेना, बट इनको सब्सक्राइब मत करना, क्योंकि आप इनको अगर सब्सक्राइब करते हो ना तो पहली बात तो ये मिसलीड करते हैं। मैं प्रूफ दिखाने वाला हूँ कैसे किया, मतलब किसी को बदनाम करके उनसे पैसे कमाना चाहते हैं, ठगना चाहते हैं, वो मैं दिखाऊंगा ही। प्लस ये इतनी माँ बहन की गंदी गालियां देते हैं ना, जो कि स्क्रीनशॉट में अगर आपको यहाँ पे प्रूफ लेके रखा हूँ, जहाँ पे सारे प्रूफ है आपको कि इन्होंने कैसे स्कैम करने की कोशिश की है या फिर कैसे ये लोग फ्रॉड है, वो मैं प्रूफ करने वाला हूँ। इसका पूरा स्क्रीनशॉट का ये जो ड्राइव है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जाके देखना। बट ये मैं पहले ही बता देता हूँ, जो भी आप चैट पढ़ोगे ना, इसमें इतनी गंदी गंदी गालियां है ना कि आप पढ़ना ही मत, मैं तो बोलूंगा। बट अगर आपको सच में मेरे बातों पर यकीन ना हो, आपको लग रहा हो कि संजीव भाई बस ऐसे ही बक रहे हैं, कोई लॉजिक नहीं है, तो आप ये ड्राइव में जाना और स्क्रीनशॉट सब चैट वगैरह पढ़ लेना, ये सब समझ में आ जाएगा। पर पूरी स्टोरी सुन लो, इन्होंने स्कैम हुआ क्या है, इनका पूरा गलती नहीं है, पर इनका गलती हो के ये अपना गलती किसी और पे ब्लेम करके उसको बदनाम कर रहे हैं, और बदनाम करने के बाद उनका बदनामी हटाने के लिए उनसे पैसे भी मांग रहे हैं। ठीक, तो ये मैटर मैं चलिए डिटेल में बताता हूँ। पहले देखो मैटर ये है ना, मैटर समझ लो आप लोग, ठीक, मैटर है कि इनका कोई SMP वगैरह चल रहा होगा, तो इन्होंने एक SMP खरीदने के लिए इनको एक होस्टिंग सर्वर चाहिए था, तो इन्होंने किसी होस्टिंग में नहीं गए, मतलब डार्क होस्टिंग में या किसी भी अलग होस्टिंग में नहीं गए कि भाई मुझको आपके होस्टिंग से सर्वर खरीदना है। इन्होंने इतना बड़े 900 सब्सक्राइबर है और इन्होंने पास इतना दिमाग नहीं है कि अगर सर्वर लेना है तो डायरेक्ट होस्टिंग से लो, डायरेक्ट कंपनी से लो, डायरेक्ट किसी ऑफिशियल जगह से लो, किसी एक बंदे जिसका खुद का ना होस्टिंग है ना कुछ है, उस बंदे से लोगे तो फ्रॉड होगा ब्रो। इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने एक थर्ड पार्टी बंदा है, जैसे समझ लो आप ही एक बंदे हो, आपने किसी को बोला कि भाई मैं आपको 500 रुपए में मस्त सर्वर दिला दूंगा, और उनसे पैसे लेके आप एक होस्टिंग से सर्वर खरीद के उनको सर्वर दे दिए, चाहे परफॉर्मेंस कैसा भी हो। तो इन्होंने क्या किया ना, इनको एक सर्वर चाहिए था, तो इन्होंने डायरेक्ट डार्क होस्टिंग में जाके वहां से सर्वर नहीं खरीदा, इन्होंने एक अलग बंदा जिसका नाम यस है आई थिंक, उसके थ्रू इन्होंने कॉन्टेक्ट किया कि मेरे को आप 500 रुपए में मस्त वाला सर्वर दे दो। उस बंदे ने इनको ट्रस्ट दिलाया कि हाँ भाई मैं आपको इतना मस्त सर्वर दूंगा कि वो लैग नहीं होगा, चंग लोड नहीं होगा, कुछ मतलब चंग इशू नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। उस बंदे ने दिया है जिसका डार्क होस्टिंग से कोई मतलब ही नहीं है, वो इनको फ्रॉड करना चाहते हैं ये, और ये उसे फ्रॉड होना चाहते हैं, या फिर जो भी मैटर है, क्या पता वो यस बंदा भी इनका हो, ये डार्क होस्टिंग को बदनाम करने का प्लानिंग हो, कुछ भी हो सकता है। उस यस बंदे का कोई आइडिया नहीं कि वो है कौन, बस उन्होंने इनके साथ स्कैम किया और ब्लेम ये लोग डार्क होस्टिंग पे लगा रहे। मैटर ये है, इन्होंने यस बंदे से डील किया कि भाई मैं 500 या 450 रुपए में तुमसे एक सर्वर लूंगा, तो यस बंदे ने अपना चालाकी दिमाग लगाया जो कि इनके पास नहीं है, उन्होंने दिमाग लगाया कि इनसे पेमेंट करवाया डार्क होस्टिंग में। डार्क होस्टिंग में अगर आप, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप लोग देखे ही होंगे, इनका जो MC का नॉर्मल प्लान है, नॉर्मल प्लान में थोड़ा चंग इशू होता है क्योंकि वो नॉर्मल प्लान है। आप सस्ते में एक अफोर्डेबल प्लान खरीदोगे जिसमें कुछ बंदे मिलकर खेलो एंजॉय करो, जिसमें थोड़ा मोड़ा चंग इशू होगा वो चलता है, क्योंकि ये नॉर्मल प्लान है जो कि सस्ते में आता है। तो उस बंदे ने 450 रुपए उनसे लिए, या फिर लिए नहीं, उन्होंने डायरेक्ट पेमेंट इनको ही कराया, उन्होंने मतलब 450 का डील किया, और उन्होंने इनसे मतलब टिकट क्रिएट किया, और यहाँ पे इनसे बोला कि भाई मुझको आपका
ये सारे 400 का कौन सा प्लान है, डायमंड प्लान 449 का, ये वाला प्लान खरीदना है। और उस बंदे ने यश जो नाम है उसने इनसे खरीदा और जो क्यूआर कोड पेमेंट के लिए था वो क्यूआर कोड उन्होंने उसको भेज दिया, मतलब जसी को, और उनसे पेमेंट करवा के उन्होंने इस यश ने अपने नाम पे सर्वर ले लिया। और यहाँ पे जो भी सर्वर खरीदता है ना उसको पेड यूजर का रोल मिल जाता है, तो इन्होंने यश को पेड रोल दे दिया क्योंकि उसने खरीदा था डायरेक्ट, इन्होंने खुद जाके नहीं खरीदा है। ब्रो तुमको सर्वर खरीदना है, तुमको डार्क होस्टिंग या किसी भी होस्टिंग से खरीदना है, खुद जाओ खुद खरीदो, किसी और के थ्रू क्यों खरीद रहे हो जिसको तुम जानते ही नहीं हो ना जिसको वो लोग जानते हैं। वो बंदा है नॉर्मल बंदा है, इनको लगा कि नॉर्मल बंदा है पेड होस्टिंग खरीदा, उन्होंने कहा ठीक है पेमेंट मतलब क्यूआर दे दिया, उसने किससे पेमेंट करा वो ये थोड़ी जानते हैं कि वो अच्छा ये खुद खरीद नहीं रहा, ये किसी और को क्यूआर दे रहा उससे पेमेंट करा, इनको पेमेंट आ गया, इन्होंने बोल दिया ओके पेमेंट आ गया, इन्होंने इसको सर्वर दे दिया, उसको पेड यूजर का रोल दे दिया। रोल देने के बाद ये यश वाला जो बंदा था इन्होंने डार्क मतलब इनको आईडी पासवर्ड दे दिया, लिंक वगैरह दे दिया कि लो तुम्हारा सर्वर मिल गया, और फिर इनको ब्लॉक कर दिया या फिर पता नहीं क्या क्या मेरे को नहीं मालूम। इन्होंने अपने इस वाले पहले वीडियो में बताया, आपको देखना होगा तो देख लेना, तो उसने बता के शायद ऑफलाइन चला गया, तो इनको जब इन्होंने सर्वर यूज किया तो इनको चंग इशू आया, जो कि यश ने बोला था कि चंग इशू नहीं आएगा, एकदम A1 सर्वर देगा। भाई 550 रुपए में तुमको चंग इशू नहीं आएगा ऐसा। इन्होंने पहला वीडियो में क्या किया है, इन्होंने एक फ्लैश एक्स होस्टिंग है जिसपे मैंने ऑलरेडी उनका भी मैंने प्रमोशन कर रखा है, उनका भी मैंने फ्री होस्टिंग पे वीडियो बना रखा है, डार्क होस्टिंग में भी बना रखा है, दोनों बढ़िया होस्टिंग है, दोनों में अगर फ्री सर्वर मिल जाए तो कोई भी यूज कर सकते हो, दोनों में पेड होस्टिंग भी खरीद सर्वर भी खरीदना है तो खरीद के एंजॉय कर सकते हो, कहीं पे भी स्कैम नहीं होगा ये मेरा गारंटी है। अगर आपको पैसे का स्कीम किसी भी आज तक जितने भी मैंने होस्टिंग वीडियो बनाया ना, अगर आप मेरे चैनल में जाओगे और मेरे चैनल में जाके अगर प्लेलिस्ट में देखोगे तो मैंने जितने भी होस्टिंग पे वीडियो बनाए किसी भी होस्टिंग में अगर पैसे का स्कैम आपके साथ होता है, आप मेरे थ्रू गए हो और आपके साथ पैसे का स्कैम हो गया, तो आप मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर में आओ, टिकट क्रिएट करो, बोलो कि संजीव भाई मैं आपका वीडियो देख के इस होस्टिंग में पैसे दे के ये सर्वर खरीदा और उन्होंने सर्वर नहीं दिया, मेरे साथ स्कैम कर दिया, तो मैं आपका मैटर सॉल्व कराऊंगा, और अगर वो मैटर सॉल्व नहीं करेंगे तो मैं उनका एक्सपोज वीडियो बनाऊंगा। बट भाई पैसे का होस्टिंग पैसे का स्कैम कोई करेगा ही नहीं, क्योंकि सब बिजनेस कर रहे हैं भाई, सब आप खुद का नाम बदनाम नहीं करेंगे तो कोई भी पैसे का स्कैम नहीं करता है। अगर फ्री सर्वर है उसमें कभी VPS फुल हो जाता है या फिर कोई भी इशू आ जाता है, उसमें अलग अलग प्रॉब्लम आते रहता है ये मैं मानता हूँ, बट पेड होस्टिंग में कभी भी कोई होस्टिंग स्कैम नहीं करेगा, इसका मैं गारंटी देता हूँ, इसलिए मैं इनका वीडियो बनाता भी हूँ। किसी भी होस्टिंग का फ्लैश एक्स हो या फिर डार्क होस्टिंग हो या फिर जितनी भी होस्टिंग में बनाता हूँ, सबसे मैं पहले ही बोल देता हूँ कि मेरी ऑडियंस के साथ पैसे रिलेटेड कोई भी स्कैम होगा तो मैं तुम्हारा एक्सपोज भी बनाऊंगा अगर तुम उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे तो पैसे रिलेटेड तो किसी का स्कैम हो ही नहीं सकता, ये मेरा गारंटी है, डोंट वरी। अगर आपके पास प्रूफ है कि आपके पास सच में स्कैम हुआ है, 100% प्रूफ है, तो प्रूफ लेकर मेरे पास आओ ना भाई, मैं हेल्प करूंगा, बट जेन्युइन प्रूफ होना चाहिए जिसपे मेरे को भी ट्रस्ट हो, ऑडियंस को दिखाओ तो उनको भी ट्रस्ट हो। ओके तो अब आते हैं टॉपिक पे। तो इन्होंने क्या किया ना, या इन्होंने देखा कि इस चंग इशू है, तो इन्होंने यस तो ऑफलाइन चल गया, तो इन्होंने अब वहां पे जो अब डार्क होस्टिंग का पेड लोग है तो उनका पैनल में तो डार्क होस्टिंग का नाम दिख जाता है, तो इनको पता चला कि यस वाला जो बंदा है उन्होंने डार्क होस्टिंग से खरीद के इसको सर्वर दिया है, तो ये अब जब सर्वर इन्होंने किसी और बंदे से खरीद लिया है उसके बाद डार्क होस्टिंग के डिस्कॉर्ड में जाते हैं, टिकट क्रिएट करते हैं, ये सब कहानी बताते हैं, फिर भी डार्क होस्टिंग वाले इतने ऐसे कि किसी और ने इनके साथ स्कैम किया फ्रॉड किया फिर भी ये उनका हेल्प करने को तैयार थे। बट अब आप मेरी बात सुनो गाइस, कि अगर मैं तो ऑलरेडी वीडियो में या कोई भी वीडियो में कॉमन सेंस है कि अगर आपको सर्वर खरीदना है तो किसी होस्टिंग से खरीदो, अगर आप किसी के थ्रू खरीद लिए और फिर आप उस होस्टिंग में डायरेक्ट अपना मदद मांगने के लिए जा भी रहे हो तो आप कैसे बात करोगे, प्यार से बात करोगे, क्योंकि गलती आपने की है, आपने किसी थर्ड पार्टी बंदे के थ्रू खरीदा, भले उस थर्ड पार्टी बंदे ने इनसे लेके आपको सस्ता वाला प्लान जो भी दिला दिया वो अलग मैटर है, बट आपने डायरेक्ट नहीं खरीदा, किसी और ने खरीदा, किसी और को पेड यूजर मिला है, फिर भी आप गए और आपको हेल्प चाहिए, वो हेल्प करने को तैयार भी है, बट वो हेल्प कब करेंगे, तब आप प्यार से इज्जत से रिस्पेक्ट से बात करोगे, और आपको बात करने तो आती नहीं है, आपको तो माँ बहन की गाली देनी आती है, मतलब इतनी गंदी गंदी गाली देनी आती है जो मैं बोलना मतलब छोड़ो, पढ़ने में मेरे को शर्म आ रही थी भाई, इनका चैट में पढ़ रहा था मेरे को पढ़ने में शर्म आ रही थी, ऐसी गंदी गंदी गालियां लोग देखे तो बात करते हैं ठीक। और अगर आप लोग को ऑडियंस को ये प्रूफ चाहिए तो ऑडियंस यहाँ पे सारा प्रूफ का स्क्रीनशॉट यहाँ पे है, आप इनका खुद का चैट पढ़ना, भर भर के गाली दिए एक दूसरे को इन्होंने, तो मैं वो पढ़ना नहीं चाहता, आप लोग खुद पढ़ लेना, बस मैं एक प्रूफ दिखाऊंगा जहाँ पे ये खुद पैसा डिमांड कर रहे हैं भाई वीडियो डिलीट करने के लिए, वो मैं दिखाने वाला हूँ ठीक। तो सबसे पहली बात तो डार्क होस्टिंग की कोई गलती नहीं, इन्होंने एक थर्ड पार्टी से खरीदा और फिर भी वो हेल्प करने को जो 450 रुपए थे वो रिफंड करने के तैयार थे, पर ना इन्होंने मतलब इनको स्टार्टिंग में तो इनको पेड यूजर है नहीं, इनको एक्सपोज वीडियो बनाना है और वीडियो डिलीट नहीं करना, और आप बोलोगे कि अब ये हो सकता है ये बोलेंगे कि भाई वो रिफंड नहीं कर रहे थे, भाई आप इनका ही पार्ट टू या फिर ये पार्ट वन को ये
वीडियो देखना जिसमें इन्होंने शायद पार्ट टू में ये वाला जो कल डाला है, इन्होंने निखिल खुद बोला है, इनके ही वीडियो में बोला है कि भाई तुम 450 रुपए ले लो, अपना रिफंड ले लो। पर नहीं, इनको अब रिफंड थोड़ी चाहिए, इनको तो अब मतलब का पैसे ज्यादा चाहिए। 450 के लिए थोड़ी एक्सपोज वीडियो बना रहे हैं, इनको तो 1000 रुपए चाहिए डिलीट करने के लिए। अब इनका कोई गलती भी नहीं, डार्क वेटिंग से सर्वर किसी और ने खरीदा, उन्होंने उसको सर्वर दे दिया, अब उस बंदे ने इसके साथ स्कैम किया या क्या किया वो उसका मैटर, भाई डार्क होस्टिंग का क्या दिक्कत है, उन्होंने तो सर्वर दिया है तुमको, इतना भी कॉमन सेंस है कि नहीं है ब्रो। और गाइस इन्होंने पहला वाला जो ये पहला वीडियो बनाया ना, इन्होंने उसमें एक बात बोला है कि जो इनका चंग इशू होता है ये 50 रुपए का कीमत का सर्वर है, होस्टिंग 50 रुपए कीमत का है। भाई मैं तुमको 50 रुपए दे रहा हूँ, तुम उसको वो वाला जो सर्वर है 50 रुपए में एक महीने क्या, मैं 100 रुपए दे रहा हूँ, मेरे को 2 महीने के लिए सर्वर दिला दो भाई, प्लीज प्लीज मैं अपनी ऑडियंस में गिव अवे कर दूंगा, प्लीज 50 रुपए मैं दे रहा हूँ, तुम मेरे को वो सर्वर दिला देना, ओके। और उन्होंने फ्लैश एक्स के साथ कंपेयर किया है कि देखो फ्लैश एक्स का पेड सर्वर कितना अच्छा है और ये खराब है, इन्होंने फ्लैश एक्स से पैसे या फ्री के सर्वर लिए होंगे इसलिए उन्होंने उसका तारीफ किया। जबकि आप इनके ही वीडियो में देखोगे ना तो जैसे आपको चंग इशू डार्क होस्टिंग का दिखेगा वैसे ही फ्लैश एक्स जो होस्टिंग है उसका भी दिखेगा इनके वीडियो में ही, पर ये लोग बोलने के लिए बस बोल रहे हैं देखो यहाँ पे उतना नहीं हो रहा, थोड़ा कम हो रहा, क्योंकि इनको फ्री का सर्वर मिला होगा या फिर कुछ पैसे मिले होंगे कि भाई मेरा उसी में प्रमोशन कर देना फ्लैश एक्स के तरफ से, ठीक। वो मेरे को पता नहीं कि पैसे मिले कि सर्वर मिला, पर कुछ मिला होगा। तो इनके वीडियो में ही दोनों सर्वर में दिख रहा कि डार्क होस्टिंग का भी थोड़ा चंग इशू है और फ्लैश एक्स का भी है, पर ये डार्क होस्टिंग का बुराई कर रहे हैं क्योंकि इनको उनका एक्सपोज वीडियो बना रहा है और फ्लैश की तारीफ करें क्योंकि इनको उनसे फ्री का सर्वर या फिर कुछ पैसे मिले होंगे। तो भाई खुद का ईमान नहीं है, और तुम पहले वीडियो में भी विष्णु भाई की बुराई की हो और सेकंड में भी, और विष्णु भाई को ये बुराई क्या की है देखो मैंने लिख के रखा है, इन्होंने ये सेकंड वाले वीडियो में बोला है ना कि विष्णु भाई ने अपने पार्ट में कट मारे है। भाई बेवकूफ, तुम जैसा हम वीडियो लंबा बे मतलब का बेफिजूल का टांगते नहीं है, मैं भी वीडियो में इस वीडियो में भी देखोगे ना बहुत ज्यादा कट लगा होगा, या फिर मेरे कोई भी वीडियो में देखोगे ना या फिर किसी भी यूट्यूबर के वीडियो में देखोगे ना बात बात में कट होता है भाई, पानी पीते हैं सांस फूल जाता है या फिर कुछ भी होता है या फिर लोडिंग होता है तो कट लगाएंगे बेफिजूल का, लोगों को 5 से 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड दिखाते नहीं रहेंगे कि देखो भाई इतना लोड हो रहा इतना लोड हो रहा इतना लोड हो रहा। भाई जब बे मतलब का टाइम है उसको कट करो, स्किप करो, मर्ज करो, एंड लोगों का छोटा वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट कंटेंट दो, बेफिजूल का लंबा वीडियो नहीं डालते हम लोग, ठीक। तो कट लगता है वो सिंपल है, और जो चंग का इशू है वो चंग वाला मैंने बता ही दिया कि नॉर्मल मतलब फ्री हो चुकी तो चंग इशू होगा ही होगा, वो तो कॉमन सेंस है भाई, पॉकेट से पैसे लगा के तुमको फ्री में सर्वर दे रहा और तुमको प्रीमियम वाला मजा फ्री में तो मिलेगा नहीं, तो चंग इशू तो आएगा ही। तो इस वीडियो में इन्होंने बोला है कि भाई चंग इशू एकदम कॉर्नर में कोई इधर चंग लोड हो रहा और ये विष्णु जी इस पे वीडियो बना दिया। भाई फ्री सर्वर में चंग लोड भी नहीं होगा, फ्री सर्वर पेड में भी चंग लोड होता है भाई। तुम्हारा ये जो पहला वीडियो है ना जिसमें तुमने फ्लैश एक्स का बनाया उसमें भी चंग लोड हो रहा और जो डार्क होस्टिंग है उसमें भी हो रहा, और कोई भी अगर आप नॉर्मल प्लान करो तो किसी भी होस्टिंग से नॉर्मल प्लान होता है और एक हायर प्लान होता है, तो किसी भी होस्टिंग से अगर आप नॉर्मल प्लान खरीदोगे ना तो अगर चंग इशू दिखेगा भाई, कभी खरीद के देखो, यूज करो फिर वीडियो बनाओ, कभी यूज किए नहीं हो और डायरेक्ट वीडियो बना रहे हो एक्सपोज का, ऐसे कैसे चलेगा। और अब आते हैं पॉइंट पे जो कि इन्होंने मतलब जिसपे मेरे को सबसे ज्यादा गुस्सा आया कि पहली बात तुम यहाँ पे स्कैम तो ऑडियंस के साथ कर रहे हो, उनको मिसलीड करके अपना गलती ना बता के किसी कंपनी को बदनाम करके और मेरे विष्णु भाई को भी बदनाम कर रहे हो बिना मतलब का, बिना प्रूफ का, बिना किसी लॉजिक का, बस अपने ग्रुप में बैठ गए वीसी में एक दूसरे से बात कर दी, एक बंदे से सुनवा दिए, ये कर दिए और प्रूफ हो गया। भाई प्रूफ रियल प्रूफ दो ना, पेमेंट का प्रूफ दे रहा हूँ जिसमें पेमेंट किसको किए हो कुछ आइडिया ही नहीं है, और मतलब खुद अपने वीडियो में बोले भी हो कि तुमने यस के थ्रू खरीदा है जो कि यस डार्क होस्टिंग से कोई रिलेशन ही नहीं है। अब कोई बंदा आके तुमको क्या बोल रहा उससे डार्क होस्टिंग को क्या मतलब, भाई तुमने डायरेक्ट डार्क होस्टिंग से खरीदना चाहिए था, पर सब तुम्हारा गलती है और तुम उसको बदनाम करो वो सब भी ठीक है, तुम समझ लो तुम्हारा गलती है, पर तुम उनसे रिफंड या कुछ लेना चाहते हो तो तुम उनपे थोड़ा फोर्स करने के लिए एक वीडियो बना दिए, पर वो जब रिफंड देने को तैयार है तभी भी तुम रिफंड नहीं ले रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो कि मेरे को 1000 रुपए दो तब मैं वीडियो डिलीट करूंगा। क्यों, वो अगर 1000 रुपए तुमको दे देंगे तब वो स्कैमर नहीं होंगे, तो 1000 रुपए लेके तुम वीडियो क्यों डिलीट करोगे, खुद का ईमान नहीं है कि ऑडियंस को स्कैम बोल दिया फिर तुम वीडियो डिलीट करो 1000 रुपए के लिए, 1000 में तुम्हारा ईमान बिक गया ब्रो। अब बोलोगे 1000 रुपए मैंने मांगे कब, ये देख लो भाई मैं स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। तो देखो गाइस मैं ये थोड़ा गाली होगा वो मैं ब्लर कर दिया हूँ, ठीक, तो आपको गाली वाला सीन नहीं दिख रहा होगा,
ये देख लो जसी ने लिखा है कर दो पहले में रिकॉर्ड। अरे वो देखो यहाँ पे भी गाली है, बात बात में तो ये लोग गाली देते हैं ठीक। तो यहाँ पे अरे अगर तुझे वीडियो डिलीट करना है तो 600 भेज तो ही होगा। यहाँ पे इसने 600 लिखा है जो कि आज का चैट है, ये पता नहीं आज का चैट है कि कब का है, यहाँ पे डेट नहीं लिखा है। तो ये 600 रुपए यहाँ पे लगा मांगा था। बट यहाँ पे देखो एक निखिल ने मैसेज किया था कि मेन बंदा जिसने किया स्कैम वो कहाँ है, तो इन्होंने गंदा लिखा है कि वो गया डैश 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 ठीक। तो यहाँ पे भी प्रूफ हो रहा कि निखिल भी बोल रहा कि मेन बंदा कहाँ है जिसने स्कैम किया, मतलब इन्होंने स्कैम नहीं किया, किसी और ने किया है जो कि इनको भी पता है, पर ये लोग इन पे क्लेम कर रहे हैं ठीक। तो यहाँ पे इनके चैट से ही प्रूफ हो रहा कि निखिल ने स्कैम नहीं किया, डार्क कोचिंग ने स्कैम नहीं किया, स्कैम किसी और ने किया और वो गया डैश 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 इनके हिसाब से ठीक। क्योंकि इनको उससे फर्क नहीं है, इनको तो बदनाम इनसे कर, इनको बदनाम करके इनको व्यूज आएंगे, पैसे मिलेंगे, सब चीज इनको बदनाम करके होने वाला है ना। बाकी यहाँ पे 600 रुपए है। एक और चैट दिखाता हूँ, वेट वो गया ठीक वो गया ये उसने लिखा था, उसके बाद इन्होंने लिखा मेन बंदा कहाँ है वो गया, फिर वही चैट है अरे अरे अगर तुझे वीडियो डिलीट करना है तो 1000 भेज तो ही होगा, नहीं तो डैश 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 फिर एक गाली, फिर 200 दूंगा डिलीट कर दूंगा, मतलब वही गाली है। आप लोग चैट मतलब पूरा ब्लरी होगा क्योंकि हर एक बाद में इनका गाली है। बस यहाँ पे आप लोग देख लो 1000 बंदे में 1000 रुपए में ये अपना ईमान बेचने को तैयार है, जिसको अपने खुद के चैनल पे जिसको स्कैम बोला उसका स्कैम वीडियो डिलीट करने को तैयार है बस 1000 रुपए में। और जिसका खुद का ईमान नहीं है वो हमारे विष्णु भाई पे क्वेश्चन उठा रहा कि ये पैसे के लिए वीडियो बनाता है, क्योंकि वो फ्री प्रमोशन करे विष्णु भाई नॉर्मली प्यार से फ्री प्रमोशन किया, जहाँ पे चंग इशू थोड़ा हुआ है तो कि फ्री होस्टिंग में हुआ है, पेड में भी नहीं फ्री होस्टिंग में चंग इशू हुआ है, उसको लेके वो विष्णु भाई के कैरेक्टर पे उनके चैनल पे उनके रेपुटेशन पे ये बंदा क्या गंदा गंदा बात बोला है पार्ट टू में भी और पार्ट वन में भी। और ये खुद का ईमान क्या है वो आपको पता चल गया होगा। तो मैं ऐसे गंदे और जिसका खुद का ईमान नहीं है, जो अपने माँ बहन का इज्जत नहीं करता, किसी के भी माँ बहन को इतनी गंदी गंदी गालियां देता है, उस बंदे पे मैं और टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। हो सकता है कल परसों से ये मेरे ऊपर भी वीडियो बनाना स्टार्ट कर दे, पर मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता और ना ही मैं अब इस पर अलग वीडियो बनाऊंगा। मेरे को बस अपनी ऑडियंस को बताना था कि जो डार्क होस्टिंग या फिर कोई भी होस्टिंग जिस पे मैं वीडियो बनाता हूँ वहां पे आप पेड फ्रॉड का कोई भी टेंशन मत लो। पैसे का अगर आपके साथ फ्रॉड तो आप सिंपली प्रूफ रखो जो भी पेमेंट करते हो, और किसी से भी डीएम में या पर्सनली आप सर्वर नहीं खरीदोगे, जिनसे भी खरीदोगे डायरेक्ट होस्टिंग में जाके टिकट क्रिएट करके खरीदोगे और उसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेके रखो। अगर कभी भी फ्यूचर में आपको फ्रॉड होता है तो आप सिंपली टिकट क्रिएट करो, मेरे से कॉन्टेक्ट करो, मैं आप दोनों का बात कराकर प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा। अगर प्रॉब्लम सॉल्व वो बंदा नहीं करता होस्टिंग वाला तो मैं उसका एक्सपोज वीडियो भी बनाऊंगा, बट प्रूफ रियल होना चाहिए बंदा और आपके साथ सच में स्कैम होना चाहिए पैसे का। फ्री सर्वर में अगर आप सर्वर यूज डिलीट हो गया या फिर कुछ भी हो गया तो वो अलग मैटर है, क्योंकि फ्री सर्वर में उनके पॉकेट से पैसा लगता है गाइस। फ्री में जो आप लोग वीपीएस यूज करते हो ना, 4GB रैम भी अगर कोई सर्वर होस्टिंग दे रहा तो अगर 1000 बंदे भी है ना तो उसको 400GB का मतलब या फिर 4000 × 1000 कर लो उतना 4000GB का स्टोरेज लगेगा, तो उनके खुद के पॉकेट से पैसा जाता है। तो वो रिन्यू का सिस्टम या फिर डिलीट वलीट या कोई ना कोई फ्री में दिक्कत आते रहता है, बट पेड में कोई दिक्कत नहीं आएगा इसका मेरा गारंटी है, आप थोड़ा टेंशन मत लो। और ये जो जसी जैसे यूट्यूबर है ना इन पे भरोसा मत करो। और जसी भाई अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो मेरे को तुमसे कोई पर्सनल हेट नहीं है, तुमने विष्णु भाई को गंदी गंदी बातें बोली उसके लिए मेरे को बहुत गुस्सा आया। और डार्क होस्टिंग को जो मैंने प्रूफ देखा और सब चीज देखा तो मेरे को पता चला कि भाई जिसका खुद का ईमान नहीं है वो दूसरों पे ईमान उठा ही नहीं, ईमान पे क्वेश्चन उठा ही नहीं सकता, तो इस पे वीडियो बनाना मेरा बनता है। क्योंकि डार्क होस्टिंग के साथ भी मैं ऑफिशियल पार्टनर हूँ, विष्णु भाई तो मेरे परम मित्र दोस्त है, और तुमने दोनों का बदनामी किया है बिना किसी गलती के, तो भाई अपना ईमान देख लो। और ऐसे लोगों को फ्रॉड करके ब्लैकमेल करके पैसे कमाने पे ध्यान मत दो, खुद के कंटेंट पे काम करो, खुद को ग्रो करो और मेहनत करके ऑडियंस बनाओ, और ऑडियंस बना के ऑडियंस से मतलब व्यूज आएंगे, यूट्यूब पे मोनेटाइज होगा, उससे रियल मेहनत से पैसे कमाओ। ये सब फ्रॉडगिरी करके कुछ नहीं मिलने वाला, एक टाइम पे कुछ पैसे कमा भी लोगे तो लॉन्ग टाइम में जाके डूबना ही है, तो अभी से मेहनत करना स्टार्ट करो, ये सब करतूत करना बंद कर दो। और गाइस आज के लिए इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा कैसा लगा होगा आई डोंट नो, मेरे को बस ये सब ये बताना था तो मैंने बता दिया कि भाई ऐसे बंदों के वीडियो मत देखा करो जिनका खुद का ईमान ना हो, खुद किसी के माँ बहन की इज्जत करना नहीं जानते हैं, किसी के भी माँ बहन पे जो मन में आए वो बक देते हैं, ऐसे लोगों पे ट्रस्ट मत करो, इनकी वीडियो मत देखो और इन पे भरोसा तो बिल्कुल कतई मत करो। जो 1000 में अपना ईमान बेचने को तैयार है, 1000 में एक्सपोज वीडियो बनाने को तैयार है, 1000 में मतलब स्कैम वीडियो को डिलीट करने को तैयार है, उन पे क्या ही भरोसा करोगे, वो आपको भी 1000
में भेज देंगे गाइस। तो मैं यही बोलूंगा, कान खोल के रखो और खुद देखो कि कौन क्या बोल रहा है। उसे खुद के वीडियो में मतलब निखिल बोला कि भाई मैं तेरा रिफंड कर रहा हूं, पर नहीं, रिफंड नहीं चाहिए भाई। और मतलब उसका खुद का वीडियो देखो कि पार्ट वन पार्ट टू, तो आपको उसके खुद के वीडियो में उसकी गलतियां दिख जाएंगी आपको। बस आपको ध्यान से कान खोल के दिमाग खोल के वो क्या बोला वो सुनना नहीं है, वो क्या बोल रहा है मतलब आपको देखना है कि वो दिखा क्या रहा है और बोल क्या रहा है, तब आपको सब समझ में आ जाएगा कि भाई वो खुद के वीडियो में कोई प्रूफ और कोई लॉजिक नहीं दे पा रहा, बस बक 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 किए जा रहा। तो बस इतना ही आज के लिए गाइस, बस अब मिलते हैं हम लोग लाइव विशील प्लस सर्वाइवर एक सर्वर में कैसे बना सकते हैं ऐसे कुछ मजेदार कॉन्टेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच, लव यू एंड बाय बाय।